नमस्कार, मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक हम प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट बता चुके हैं, आज बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कहीं भी टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक आई बटन आएगा, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, उस पर टच करेंगे तो इस प्रकार का टेंस भी जो चारों पार्ट पढ़ाए हैं और बुक भी पढ़ा रखे हैं उसमें पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो को। प्यारे छात्रों, इस चैनल पर 9 से 12 तक का इंग्लिश बुक और ग्रामर कंप्लीट कराया जाता है और इसके अलावा एसएससी बैंक, रेलवे का इंग्लिश और मैथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट इस तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट यानी बीता हुआ समय होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है, टेंस यानी काल। पहले इसका हम पहचान समझेंगे, यानी वाक्य के अंत में लिख लीजिए, वाक्य के अंत में ता थी, ते थे, ता थी आदि, यानी या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। और जो कार्य होता है बीते हुए समय में हुआ होता है, यानी बीते हुए समय में हमारे हैबिट को दर्शाता है, या किया गया कार्य जो बीते समय में, यानी बीते समय में किया गया कार्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीन सेंटेंस होते हैं। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें रूल लिखिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब जैसे देखिए सेंटेंस, लड़कों ने नदी में स्नान किया, लड़कों ने नदी में स्नान किया, लास्ट में यह आया तो द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्नान किया, इसका हो जाएगा बाथ्ड, स्नान किया कहाँ पे, नदी में, इन द रिवर। ठीक, अगला सेंटेंस, वह अपने स्कूल में, वह अपने स्कूल में गीत गाती थी, वह अपने स्कूल में गीत गाती थी। तो गाती थी स्त्रीलिंग है, इसलिए वह का अंग्रेजी सी होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म गाती, यानी सिंग माने गाना, इसका सिंग संग संग, यानी सेकंड फॉर्म संग होगा, यस ए एन जी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट गीत है, संग कहाँ पे, अपने स्कूल में, इन हर स्कूल, इन हर स्कूल। अगला सेंटेंस, जैसे रमेश अपने पिता जी को एक पत्र लिखा, रमेश अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। अब इसे बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट लिखे रमेश,
रमेश हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म में कहाँ से मालूम होगा? ये जब वाक्य के लास्ट में देखेंगे पत्र लिखा, यानी लिखना वर्ब है। अब इसका हम सेकंड फॉर्म यानी लिखना का अंग्रेजी होगा राइट, और सेकंड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। रिटेन, रमेश रिटेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, एक पत्र यानी अ लेटर। उसके बाद अदर वर्ड में अपने पिताजी को, टू हिज फादर। टू हिज फादर यानी कि ये हिज जो लगा है रमेश के लिए है, अपने के सेंस में। अपने के सेंस में अलग अलग, जैसे आई है उसके साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो में है, उसे जाके वहाँ से देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट से या आई बटन से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह प्रतिदिन कार से बाजार जाती थी। वह प्रतिदिन कार से बाजार जाती थी, तो जाती थी किसी महिला के लिए या बालिका के लिए बात हो रहा है, त्यां वह का अंग्रेजी हम सी यूज करेंगे। इसका दो मीनिंग होता है, ही होता है और सी, पुरुष के लिए ही और महिला के लिए सी। तो सी वर्ब जाना का गो, उसका सेकंड फॉर्म वेंट होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और वर्ब फिफ्थ फॉर्म, ये सभी फॉर्म उसका जो है पीडीएफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में जो है पीडीएफ लगा दिए हैं, वहाँ से उसे नोट कर लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा, फेयर में लिख लीजिएगा, उसे बार बार रिवाइज करिएगा और याद हो जाएगा, तब सेंटेंस बहुत ही आसान लगेगा आपको। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट यानी बाजार, टू मार्केट, किससे कार से, बाई कार, सॉरी पहले यहाँ पे डेली एवरीडे मार्केट, सी वेंट टू मार्केट एवरीडे, बाय कार, अगला सेंटेंस देखिए, लड़के प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलते थे। लड़के प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पर होगा द, द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब खेलना का सेकंड प्ले होता, उसका सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, क्रिकेट, अब क्रिकेट हो गया। अदर वर्ड में इन द फील्ड, प्रतिदिन डेली लिखिए या एवरीडे, एवरीडे। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, मैं प्रतिदिन
मैं प्रतिदिन हॉकी खेलता था। इसका आई खेलना प्लेट, सेकंड फॉर्म प्लेट हो जाएगा, प्ले मीन्स खेलना होता है। उसके बाद प्लेट ऑब्जेक्ट क्या, हॉकी। हॉकी और हॉकी हो गया डेली। रमेश प्रतिदिन अपनी किताब पढ़ता था। लास्ट है अफर्मेटिव का, जैसे रमेश हो गया सब्जेक्ट वर्ब की, पढ़ना का रीड, इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तीनों फॉर्म रीड ही होता है। तो रमेश रीड का पढ़ता था बुक, रीड अपनी किताब, हिज बुक अपनी किताब डेली। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट का। अब इसमें रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, यानी यहाँ पे अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और नहीं के लिए डिड नॉट उसके पहले, और डिड नॉट सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। तो सिंग सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड नॉट होगा नहीं के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। अब सेंटेंस देखिए, महेश स्कूल नहीं जाता था। महेश स्कूल नहीं जाता था, इसका सेंटेंस का, इस सेंटेंस का अंग्रेजी बनाइए। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे महेश, उसके बाद हम नहीं है इसलिए डिड नॉट, डिड नॉट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो मीन्स जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता था। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे नहीं के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्नान करना, बात। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं तो अदर वर्ड डेली एवरीडे। इसी टाइप के एक और देख लिए, लड़के
प्रतिदिन नदी में स्नान नहीं करते थे। तो सबसे पहले लड़के यानी द बॉयज, उसके बाद डिड नॉट नहीं के लिए, डिड नॉट नहीं के लिए हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, स्नान करना बाथ। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नदी में, यानी यहाँ पर नदी में, इन द रिवर। उसके बाद एवरीडे, अब इसका निगेटिव हो गया। अब इसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हुआ, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल इसमें लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक वाक्य क्या से शुरू होता है और दूसरा जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो पहले क्या से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, उसके लिए रूल लिखिए। यानी डिड को हम पहले लिखेंगे सहायक क्रिया, उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव रहेगा नॉट, नहीं तो नहीं। डिड को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। देखिए सेंटेंस ये सब जो है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, वाक्य क्या से प्रारंभ, वाक्य ठीक है, जब क्या से प्रारंभ वाक्य होता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते थे, क्या तुम स्कूल जाते थे, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले डिड हम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू है यानी तुम का अंग्रेजी यू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल। ठीक, अब इसी टाइप से और सेंटेंस देखिए, क्या वह नदी में स्नान करता था, क्या वह नदी में स्नान करता था। तो इसमें देखिए क्या से शुरू हुआ है, इसलिए डिड पहले हम लिखेंगे, डिड सब्जेक्ट ही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्नान करना, बाथ मीन्स स्नान करना, ऑब्जेक्ट नदी में, इन द रिवर। अगला देखिए, क्या तुम रेलगाड़ी से दिल्ली जाते थे, क्या तुम रेलगाड़ी से दिल्ली जाते थे, इसमें क्या शुरू में आया था इसलिए डिड को पहले लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का डिड यू गो, ऑब्जेक्ट दिल्ली गो टू दिल्ली, दिल्ली के अंग्रेज दिल्ली। अब उसके बाद रेलगाड़ी से बाई ट्रेन, बाई ट्रेन। जब किसी साधन की बात हो जैसे कार से, ट्रेन से, बस से, तो उसके पहले बाई का प्रीपोजिशन यूज होता है, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, इस टाइप से। अब सेकंड टाइम का सेंटेंस देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। जैसे जब सेकंड रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो सबसे पहले उसके अंग्रेजी लिखेंगे और बाकी रूल यही रहेगा, सेम ऐसे ही उतार देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड जैसे होता है कब कहाँ क्यों कैसे, ये पूरा डिटेल्स में फर्स्ट ही वीडियो में टेंस जब स्टार्ट किए हैं उसके फर्स्ट वीडियो में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें पढ़ाए हैं उसमें पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किए हैं, वर्ग बारे में, सब्जेक्ट बारे में, ऑब्जेक्ट बारे में सब बता दिए हैं, वो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद प्लस में ये डिड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए यानी डिड, ये डिड लिख दिया यहाँ पे, और प्लस ये सब्जेक्ट, और प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ये ऑब्जेक्ट, और प्लस ये अदर वर्ड। और जब निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट बाद नॉट का यूज होगा, बस बाकी रूल यही रहेगा। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, बीच में हो तो, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसके लिए ये रूल काम करेगा। जैसे वह ट्रेन से दिल्ली क्यों जाता था, वह ट्रेन से दिल्ली क्यों जाता था, क्यों जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह यानी ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट डिलही यानी टू, टू डिलही, उसके बाद ट्रेन से अदर वर्ड में यानी बाई ट्रेन। वह अपने स्कूल कैसे जाती थी, वह अपने स्कूल कैसे जाती थी। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन बीच में आया है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ, हाउ को लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह यानी जाती थी स्त्रीलिंग है इसलिए सी, सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, अपने स्कूल यानी टू, अपने के लिए स्त्रीलिंग के साथ हर यूज होता है, हर स्कूल, वह अपने स्कूल कैसे जाती थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख लिया कैसे, हाउ, डिड को लिखा, सब्जेक्ट सी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना का,
उसके बाद अपने स्कूल टू हर स्कूल। और लिख लीजिए वह प्रतिदिन, लास्ट है ये, वह प्रतिदिन बाजार क्यों जाता था, वह प्रतिदिन बाजार क्यों जाता था। तो सबसे पहले रूल मिटा दिए हैं, फिर देख लीजिए क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फाइव क्वेश्चन वर्ड फाइव हो गया। अब उसके बाद क्या आता था, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट ही हो गया। अब सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डिड ही को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, टू मार्केट यानी बाजार ऑब्जेक्ट हो गया, एवरीडे प्रतिदिन। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा। और भी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा या फिर आई बटन से देख लीजिएगा, टच करेंगे साइड में आई बटन कहीं दिखाई देगा उस पर टच करेंगे तो फिर उसमें एक लिस्ट ओपन हो जाएगा और उसमें कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं जो भी आपके लायक होगा। प्यारे छात्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।